टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा को काफी खरी खोटी सुनाता है। वह पहले अनुपमा को बोलता है कि तुम आज भी शाह हाउस से जुड़ी हुई हो। वनराज तुम्हारा पहला प्यार था और शाह हाउस के साथ 26 साल का रिश्ता था, लेकिन अब मैं भर गया हूँ। अनुज यही शांत नहीं होता है। वो यह भी बोलता है कि मुझसे अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में बहुत जल्दीबाजी हो गई है। तुम अनु की माँ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से छोटी अनु की माँ बनी। मुझसे सच में जल्दीबाजी हो गई। अगर हम सोच समझ कर करते तो हम आमने सामने नहीं होते। अनुज की ये बातें अनुपमा का दिल तोड़ देती है। सीरियल में आगे देखने को मिलेगा कि अनुज की बातें सुनकर अनुपमा को बहुत दुख होता है और वह बोलती है, आपने बोला दूसरी शादी करनी है, आपने मुझे समझाया, 3 बच्चों की इस औरत से शादी की, मैंने पूरी कोशिश की कि आप पर मेरी जिम्मेदारी न पड़े और मैंने छोटी अनु की जिम्मेदारी जबरदस्ती नहीं ली। मुझे ये नहीं पता था कि आपको मेरी वजह से इतना झेलना पड़ रहा है। आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, आप इस रिश्ते को खींच रहे हैं। मैं पहले रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती, जिस रिश्ते में इतनी शिकायतें हो, इतनी तकलीफें हो, उसे निभाना मुश्किल है। कौन सही और कौन गलत उसका हिसाब नहीं लगाना। उस घर का रिश्ता तोड़ दिया और अब मुझे यहाँ से भी जाना होगा। इस एपिसोड के आखिर में देखने को मिलेगा कि अनुपमा घर वालों के सामने बताती है कि वह अनुज से बहुत प्यार करती है, लेकिन वह अब यहाँ नहीं रह सकती। वह अपनी और अनुज की फ़ोटो को फाड़ देती है और साथ ही कहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है और कोई गुस्सा भी नहीं है, मैं आपको इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ, मेरे और मेरे बोझ से आप आज़ाद हैं। ये बात सुनकर अनुज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।